जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से हम घर में बैठे हैं और उसका जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है वो हो रहा है एजुकेशन सिस्टम पे। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो घर में बैठे बैठे बोर भी हो चुके हैं और खुद अगर पढ़ेंगे भी तो ज़्यादा समझ में आता नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि अगर मुझे समझ में आ रहा है, अगर मेरी वजह से किसी और को भी समझ में आए तो मैं ज़रूर करूँगा। तो मैंने आज एक सिंपल सा टॉपिक लिया है 11th का, जिसका नाम है द लिविंग वर्ल्ड। और अगर हम देखेंगे जो हमारा वर्ल्ड है, लिविंग वर्ल्ड है, इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट। जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें आते हैं लिविंग बींग्स, यानी इंसान आते हैं, कोई जानवर आता है, बैक्टीरिया आता है। और जो नॉन लिविंग वर्ल्ड है, नॉन लिविंग में हमारा क्या आता है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसमें हमारा आता है नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि टेबल, मेज, रॉक्स या वायरस। और वायरस की आपको मैं एक अजीब सी बात बोलूंगा, जो वायरस है वो क्या करता है, जब वो होस्ट में नहीं होता है, यानी कि लिविंग सेल में नहीं होता है, तब वो होता है नॉन लिविंग। और जो ही वो किसी होस्ट में, किसी लिविंग सेल में एंटर कर जाता है तो वो बन जाता है लिविंग। और जो वायरस है उसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी कि अपना मटेरियल, जैसे कि हर किसी में आरएनए या डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है, वायरस में भी ये प्रेजेंट होता है। ऑल्दो वायरस नॉन लिविंग है फिर भी इसमें ये जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो जो ये चैप्टर है इसमें हमारे कुछ टर्म्स आते हैं, कुछ बायोलॉजिस्ट के नाम आते हैं, कुछ थ्योरीज आती हैं जिन पे हम फोकस करेंगे। तो जो कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखी हैं वो हैं द बायोटेररिज्म, एमनियोसिंथेसिस, जीनोम आता है, और ऐसी बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगी। ऐसे ही कुछ थ्योरीज हैं, जो सेल थ्योरी है, इम्पोर्टेंट थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, थ्योरी ऑफ डिजीज है। अब ये थ्योरी किन साइंटिस्ट्स ने दी, किन बायोलॉजिस्ट ने दी, उनका नाम भी हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि आगे जाके जब हम नीट में जाते हैं या किसी और हायर एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ पे इन साइंटिस्ट के बारे में, इन बायोलॉजिस्ट के बारे में पूछा जाता है। तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिनका मैं नाम बोलूं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या वॉटसन एंड क्रिक, कार्लस लिनियस, ऐसे कुछ और साइंटिस्ट हैं जो जिनके नाम आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। अभी हम देखेंगे लिविंग हम किस चीज को कहते हैं। अकॉर्डिंग टू बुक्स, अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, उन्होंने एक सिंपल सी डेफिनेशन दी है जो ऐसी है, द सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरक्टिव सिस्टम कैपेबल रेस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, जो उनमें डीएनए होता है, जो उनमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है वो रेप्लिकेट उसको करते हैं। अगर एक सेल है वो दो सेल्स बनाएंगे, दो तीन सेल्स को बनाएंगे, और ऐसे ही एक सिस्टम क्रिएट करेंगे जो सिस्टम आगे जाके जो हमें बाहर से स्टिमुलस मिलेगा उसको रेस्पॉन्ड करेंगे। अभी हम देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फर्क। तो भाई लोग देखो, जो लिविंग और नॉन लिविंग है उसमें ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि वायरस, जो वायरस है वो एक ऐसी, वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नॉन लिविंग होते हुए भी उसके पास अपना सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम होता है। नॉन लिविंग जब होता है सेल के बाहर होता है, होस्ट के बाहर होता है, जो ही वो होस्ट में एंटर कर जाता है तो वो लिविंग बन जाता है। इससे क्या होगा, वो वहां पे डिजीज क्रिएट करेगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि रिसेंट एग्जांपल COVID-19 की कितनी सारी डिजीज हुई और डेथ्स भी हुई। जो वायरस है ना तो ये प्लांट है और ना ये एनिमल है, और फिर भी इसमें अपना हेरिडिटरी मटेरियल होता है, जैसे कि डीएनए और आरएनए सब जानते हैं। अब हम देखेंगे कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो होते हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अडॉप्टेशन, डेथ, मेटाबॉलिज्म। अभी देखेंगे हम जो ग्रोथ है, ग्रोथ हम किस चीज को कहते हैं। अगर आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, अगर प्लांट की एग्जांपल लेंगे, जो प्लांट लाइट होता है सबसे पहले वो छोटा होता है, उसके बाद क्या होता है उसकी लेंथ बढ़ जाती है, उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है, उससे वो हम देखते हैं कि हाँ भाई ग्रोथ हो रही है। अभी रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन सिंपल सी मीनिंग है, सब पढ़ते हैं, 8th से पढ़ते आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन होती है अपनी जनरेशन को, अपनी रेस को कंटिन्यू करना। अभी हमारा आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है कैटाबॉलिज्म। और जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म है उसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज बन रहा है या कोई भी चीज ब्रेक हो रहा है उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ये जो प्रोसेस उसको कहते हैं जनरल में मेटाबॉलिज्म। हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे एनाबॉलिज्म की। एनाबॉलिज्म होता है टू बिल्ड। एनाबॉलिज्म की जो एग्जाम्पल है वो हम देंगे प्रोटीन सिंथेसिस। हमारी बॉडी में जो प्रोटीन्स बनते हैं वो इसी प्रोसेस से बनते हैं। अभी इसके बाद क्या आता है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म होता है तो ब्रेक। अभी जब ब्रेक हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो ब्रेक हो रहा होगा। इसकी हम सिंपल से एग्जांपल लेंगे रेस्पिरेशन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड ब्रेक डाउन होता है, उससे ग्लूकोज निकलता है, एनर्जी निकलती है। अभी आती है एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन भी दो टाइप की होती है, एक होती है सिंपल एडॉप्टेशन यानी कि
शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन और दूसरी होती है परमानेंट और लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन। जो जिसको हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन, वो ऐसी होते हैं कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने कोई चीज एडॉप्ट किया, ये किसी टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम देखते हैं कि मदर की वॉम में जब बेबी होता है तो वहां पे एक कनेक्शन क्रिएट हो जाता है उन दोनों के बीच में, प्लेसेंटा, वो होती है शॉर्ट टर्म एडाप्टेशन। आफ्टर द बर्थ प्लेसेंटा डिसअपियर हो जाता है। और इसी तरह से अगर हम देखेंगे लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन, लॉन्ग टर्म एडाप्टेशन की कोई ऐसी एडाप्टेशन होती है जो एक ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द लाइफ यूज करता है। ये हमारी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, हमने देखा कि कुछ एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। और ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का खेल क्या है, ये ऐसा है कि एमोबा हमेंगे वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी कि उसमें एक ही सेल प्रेजेंट होगी और वो जो एक सेल होगी वो कंप्लीट सेल, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगी। यानी कि वो जो लाइफ प्रोसेस होंगी, वो सारी लाइफ प्रोसेसेस वो एक सेल फंक्शन करती है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्या होता है, जो लाइफ की फंक्शंस होती हैं वो डिफरेंट पार्ट्स उसमें हिस्सा लेके डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। जैसे कि ब्रीथिंग, ब्रीथिंग हम नोज से करते हैं, और हम फूड लेते हैं, फूड हम मुंह से लेते हैं। इसी तरह से आती है हमारी जो लास्ट पे आती है वो है डेथ। हमें पता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म दुनिया पे सस्टेन नहीं करता है और उसकी डेथ हो जाती है। और इसी के साथ जो हमारा आज का टॉपिक था, ये इंट्रोडक्शन था, सिंपल इंट्रोडक्शन, ये खत्म हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी आने वाली अगली वीडियोस होंगी उसमें हम इस जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है द लिविंग वर्ल्ड, इसके हम बाकी पार्ट्स देखेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या है, जो सेल थ्योरी है वो हमें आगे पढ़नी है कि कैसी सेल बनी, या थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन जो डार्विन ने दी थी वो भी हमको आगे पढ़नी। थैंक यू।